एक महीने पहले वृद्ध महिला की जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों के बयान के बाद मृतका की बहू और उसके माता पिता के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर तीन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मामला कनाडिया थाना क्षेत्र का है, जहां मित्र बंधु नगर में रहने वाली नलिनी सावन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के लिए भिजवा दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को मृतका महिला के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जहां सुसाइड नोट और परिजनों के बयान के बाद पुलिस ने मृतका महिला की बहू हेमलता सावंत और उसके पिता मारोतराव तिजोरे और माता सुनंदा तिजोरे पर आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जहाँ पुलिस ने मृतका महिला की बहू, उसके पिता और उसकी मां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आए दिन किसी न किसी कारणवश प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे आहत होकर मृतका नलिनी सावंत द्वारा आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया गया। पिछले माह सूचनाकर्ता प्रमोद सावंत द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी जो काकी है निवासी मित्रबंधु नगर नलिनी सावंत, उन्होंने जो जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। जाँच के दौरान मृतका के शव का पीएम कराया गया और सुसाइड नोट जब्त किया गया है। साथ ही मृतका के परिजनों के कथन लिए गए, जिनमें उनके द्वारा मृत्यु का कारण मृतका की बहू हेमलता और उसके माता पिता द्वारा लगातार उसे घर की छोटी छोटी बातों को लेकर और घर को लेकर प्रताड़ना बताया है, जिससे तंग आकर उसने मृत्यु की है। संपूर्ण जांच पर से आरोपियों के विरुद्ध धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो मात्र 24 घंटे के अंतर्गत मृतका की बहू हेमलता उर्फ हेमा और उसके माता पिता मारोतराव और सुनंदा निवासी गाड़ा नागपुर को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।